ये एरिया टोडी डैम के आसपास है और ये देखिए यहाँ की खेती बाड़ी, और शायद इस तरफ डैम ना हो, झील होगी, डैम होगा, कुछ ना कुछ लग रहा है कि लोकेशन उस टाइप की है कि बांध लगा हुआ है। बीचों बीच से हम निकलते हुए सभी अपने अपने स्पीड में, अपने अपने अंदाज में ये देखो ये टांगे थक गई हैं जिस गाड़ी के हैं ये विकास जी 2722। ये देखिए ये विकास जी का अंदाज बैठने का, वो आगे जसरोटिया जी देखिए टांगे कैसे लटका रहे हैं। तो दोस्तों ये चीजें राइट पे सब होती है। बनका खेड़ा जिला केकड़ी, बनका का टोल प्लाजा आते हुए राजस्थान स्टेट सड़क निर्माण निगम राजस्थान SH-37A। बनका दोस्तों एक काफ़ी बड़ी झील है यहाँ पे मोर में, और ये देखिए सामने उसके बाहर से हम क्रॉस हो रहे हैं। एक पहले मिली थी जगह का नाम तो मोर ही लिखा था, देखता हूँ आगे कन्फर्म हो जाए कि क्या ये वही है और इसका काम चल रहा है, और किसी आने वाले वक्त में ये भी एक टूरिस्ट प्लेस के नाम से जानी जाएगी। ये देखिए काफ़ी बड़ी झील है, पुराने मोनूमेंट्स भी है। मोर को क्रॉस करते हुए आप आगे देखते हैं कौन सा स्टेशन आता है, चौक पे इंतज़ार करते हुए अब यहाँ से अब थोड़ा सा ये देख लेंगे कि किस रास्ते से जाना है। एक रास्ता ये अंदर का है और दूसरा रास्ता ये है, और टोडा राय सिंह शायद अरे जगह का क्या नाम है जगह का क्या नाम है इसका टोडा राय सिंह चौक है, और ये कुछ पुराने मोनूमेंट्स यहाँ पे उस टाइम के। और अब यहाँ से हमने एक लेफ्ट टर्न लिया, राइट को भी कहीं जा रहा होगा वो भी मिलता ही होगा, मगर हमने कोटा जाना है।
और कोटा यहाँ से है 145 टोंक 45 25 25 है पहला स्टेशन, उसके बाद 45, उसके बाद 125 कोटा। जब बाजार में आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, मगर जैसे बाज़ार से बाहर निकलो, क्योंकि ये बड़े बड़े बाज़ार नहीं हैं, ये एक डेढ़ किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर के अंदर ख़त्म हो गए होते हैं बाज़ार। उसके बाद अब आपको फिर साफ रास्ता मिल जाएगा। अब यहाँ से भी दो रास्ते हैं, यहाँ से भी दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है। अब हमको कौन सा रास्ता यहाँ से पकड़ना है, वो टंडा केवली 35, थोड़ा सा 500 मीटर के बाद एक राइट टर्न है देवली, उसको हमने पकड़ा है। ये यहाँ पे महल होंगे किसी टाइम में, सिटी से बाहर आते हुए अब देखता हूँ आगे देवली है 35 किलोमीटर, बीच में और क्या क्या आता है दिखाता हूँ आपको। आके और राजस्थान का आपको एक गाँव दिखाता हूँ, ये इसी रोड पे, गांव का नाम पता नहीं क्या, मगर ये जो पुराना दृश्य है वो याद दिलवा दिए कि जब कभी निकलता था तो इस टाइप के रास्ते में घर, लोकेशन, रास्ते और पेड़, ये चीज़ें दिखा दूँगी। अगर आज उन रोड्स पे हाईवे बन चुके हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस बन चुके हैं, ये चीज़ें उन रोड से दूर हो गई हैं, तो इन चीज़ों का लुत्फ़ लेने के लिए आपको इंटीरियर रोड्स ही पकड़नी होंगी, तो आपको ये सब कुछ दिखेगा। इस तरफ का भी नज़ारा देखिए, सामने बिल्कुल पठार देख रहे हैं, काफी लंबा पठार है। रामपुरा, रामपुर के वासी क्या कर रहे हैं, महिला का आपको याद होगा। और रामपुरा ये मुझे लगता है माइनिंग एरिया है, ये
यहाँ से मार्बल निकलता होगा उसी टाइप का ये एरिया लग रहा है। और जिस शहर की बात कर रहे थे पाटुंदा, तो दोस्तों वो क्रॉस कर रहा हूँ, आप देख लीजिए कि अब लोग यहाँ पे कितने ही रहते होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ अब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, क्योंकि मैक्सिमम घर तो ये देखिए टूटे हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। और ये एक इंटीरियर है राजस्थान का, टोंक के आसपास का एरिया। और वो देखिए सामने पेड़ के नीचे छाया में बैठ के गप लग रही है, जैसे पुराने लोग बैठा करते थे चौपाल पे उस तरीके से। ये चीज़ें आजकल बहुत कम दिखती हैं, तो यही मकसद था इंटीरियर से लाने का कि आपको ये सब कुछ दिखाएं। और ये किसी टाइम किसी महाराजा जी का फोर्ट होगा। ये सामने ऊपर आपको पहाड़ पे दिख रहा फोर्ट, ये फोर्ट किसी राजा जी का होगा किसी टाइम, आप इसकी हिस्ट्री से ही पता चलेगा। और नीचे ये तालाब है क्या नदी है, ये देखिए इस तरह नीचे की तरफ जाते हुए। और ये ऊपर का नज़ारा, ये सामने शायद किला होगा और ये झील के किनारे और सामने ऊपर फोर्ट है। अपने अपने फोटोग्राफ्स निकालते हुए मैं भी निकाल लूँ एक फ़ोटोग्राफ यहाँ से। ये सामने शायद कोई महल होगा, उस टाइम का ये, और वो सामने ऊपर एक मंदिर भी है दोस्तों, बहुत प्यारी सी जगह है। तो ये नदी है सामने, ये देखिए, तो वो सामने ऊपर फोर्ट, ये मंदिर और ये पैलेस। और दोस्तों ये यहाँ इसका मेन बाज़ार होगा, ये मेन बाज़ार की तस्वीरें हैं। और इस रास्ते से हम आए हैं, अब हमें शायद इस रास्ते से बाहर जाना होगा। भैया इस जगह का क्या नाम है? राजमेर। ये बांदा कहाँ, वो पीछे रह गया? ये राजमेर है दोस्तों। ये हाँ जी, गाँव ने लोकेशन का नाम पूछ रहा था। राजमहल। और ये सामने लिखा हुआ है राजमहल टोंक। तो
ये बोर्ड मिल गया है मुझे, एक ऑफिशियली बोर्ड मिल गया, तो इससे पता चल गया कि हम कहाँ पे हैं। ये छोटा सा बाज़ार है, बांदा तो पीछे चला गया। तो मिलता हूँ आपको आगे। और दोस्तों देखिए, पुराने टाइम में जैसे सड़क के बीच पिलर हुआ करते थे, उसी तरीके से अभी यहाँ पे ये पोस्ट चल रही है, उसी तरीके से ये रास्ता सड़क के बीचों बीच लाइट के पिलर्स। ये दृश्य आपको अब इस नए हिंदुस्तान में बहुत कम जगह दिखेंगे। तो ये राजमहल एरिया, हम बिल्कुल अंदर अंदर से जा रहे हैं। हम स्टेट हाईवे जो है या लिंक रोड्स हैं उनको क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं। अच्छा लग रहा है ये चीज़ें देख के। सड़क की कंडीशन पहली सड़क से अब बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ा दलदल का एरिया था और इसलिए अब इस एरिया में दलदल कम होगा। और यहाँ पे देख लीजिए, ब्लैक टॉप फ्रेश पड़ा हुआ, और अब यहाँ तक डबल थी और अब दोबारा सिंगल हो चुकी है। अब सिंगल रोड से आगे शायद कोटा तक हमें ऐसा ही रास्ता मिले। यहाँ 25-30 किलोमीटर के बाद क्या पता रास्ता साफ मिल जाए, मगर हमारे लिए अच्छा है ये रास्ता। यहाँ से दोबारा डबल हो चुकी है सड़क। अब इन रास्तों पे गाड़ी को ज़्यादा मार नहीं लगती, एक्सीलेटर ज़्यादा नहीं देना पड़ता, गाड़ी को हवा लेने का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। एक्सप्रेस पे तो फुल थ्रॉटल ही रखना पड़ता है, इन पे हम एक्सीलेटर को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा, कुछ खड्डा आ रहा, कोई गांव आ रहा, यानी कि थ्रॉटल में कंटिन्यूटी इन रोड्स में कम है। और अगर कम है तो समझ लीजिए हमारी गाड़ियाँ भी फिट है। और अब इस हाईवे पे यहाँ से इस रास्ते से निकले हैं, इस हाईवे पे लगे हैं, और हाईवे से अब कोटा है, यहाँ से अब कोटा है 89, बूंदी 53, देवली 5, वो अंदर जाके रास्ता होगा। ये अब सीधा रास्ता शायद कोटा तक यही रहेगा। तो दोस्तों लंच का टाइम हुआ है, अब कोटा हाईवे पे हैं। इस तरफ जाए तो अजमेर की तरफ, और इस तरफ कोटा। कोटा हमारा यहाँ से रह गया 60 या 70 किलोमीटर के बीच। चारों गाड़ी यहाँ पे है, एक होटल है, होटल रेस्टोरेंट नाम तो इस उन्होंने क्या लिखा हुआ है, और ये इस टाइप का बोर्ड है। यहाँ रुके हैं अब हम, तो यहाँ खाना देखेंगे। 1:30 बजा है, 1:30 हुए हैं, और होटल राठौर और 1:30 हुए हैं, और अभी तक सुबह का हमने 225
और 250 किलोमीटर का सफ़र कवर कर लिया हुआ है। और अब खाना खाने के बाद देखते हैं आगे कितना और जा सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको आगे।